नमस्कार दोस्तों, Access24 चैनल पे आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं श्रद्धा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर छाई हुई हिंदी और साउथ फिल्मों के अभिनेता प्रकाश राज की शादी की। प्रकाश राज की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर छाई हुई है और इसका कारण है प्रकाश राज का 56 साल की उम्र में तीसरी बार शादी करना। जी हाँ, आपको बता दें एक्टर प्रकाश राज ने अपनी दूसरी पत्नी टोनी वर्मा संग एक बार फिर साथ फेरे लिए हैं और इस बात की जानकारी प्रकाश राज ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने लिखा, हमने आज रात फिर से शादी की है क्योंकि हमारा बेटा वेदांत हमारी शादी देखना चाहता था। फैमिली मोमेंट। इसके साथ ही प्रकाश ने बहुत सी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो कि जमकर वायरल हो रही हैं। प्रकाश ने जिन तस्वीरों को शेयर किया है उनमें से एक फोटो में वह अपनी पत्नी को लिप किस करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में वह अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लिए हुए हैं। अन्य फोटो में वह अपने बच्चों संग दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब लोगों ने उनसे इस पत्नी संग दोबारा शादी करने की वजह पूछी तो एक्टर ने बताया कि 24 अगस्त को हम दोनों की शादी के 11 साल पूरे हुए हैं और इस खास मौके पर हमने अपने बेटे वेदांत के लिए दूसरी शादी रचाई है ताकि वो इसका गवाह बन सके। वहीं प्रकाश की इन तस्वीरों को फैंस अब काफ़ी पसंद कर रहे हैं, साथ ही उन्हें उनकी शादी की बधाई भी दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें इससे पहले अपनी शादी के 11 साल पूरे होने की खुशी में प्रकाश राज ने पत्नी संग अपनी शादी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था, ये बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद मेरी डार्लिंग पत्नी मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनने के लिए, एक प्रेमिका और एक शानदार सहयात्री बनने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें राज और टोनी ने साल 2010 में शादी की थी और यह प्रकाश राज की दूसरी शादी थी। प्रकाश की पहली शादी साल 1994 में तमिल अभिनेत्री ललिता कुमारी से हुई थी। ललिता और प्रकाश के 3 बच्चे थे जिनमें से 2004 में उनके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद साल 2009 में प्रकाश और ललिता ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। इसके बाद प्रकाश ने मशहूर कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से दूसरी शादी रचाई थी। ऐसी ही खबरों की तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल Access24। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।